नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम आपको विशेषण के बारे में बताएंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार सभी संज्ञा शब्दों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, उसी प्रकार सभी की कुछ ना कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे नितिन के सुंदर बगीचे में आम का विशाल वृक्ष है। इसमें नितिन संज्ञा है, सुंदर और विशाल ये दोनों उसकी विशेषताएं हैं। इस प्रकार बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशाल वृक्ष, मीठे रसीले आम, मोटी काली बिल्ली और विशाल छायादार वृक्ष आदि। विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण।